गोरखपुर के नवागत एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने को एएसपी व सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे सहित पुलिस के जवानों के साथ गोलघर की सड़कों पर पैदल गश्त किया। इस दौरान उन्होंने राहगीरों, दुकानदारों सहित अन्य लोगों से वार्ता किया और उनको सुरक्षा का एहसास दिलाया। एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने दुकानदारों से सुरक्षा के दृष्टिगत अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा अंदर और बाहर भी लगाने के, बाइक चालकों से हेलमेट का प्रयोग करने, फोर व्हीलर चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने गाड़ियों के शीशे पर लगे काली पट्टी को भी उतरवाया। एसपी सिटी ने लोगों से अपील किया कि जिंदगी सलामत रखनी है तो हेलमेट अवश्य लगाएं। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, बताइए ना।
जब रोक दिया जाता है तभी इमरजेंसी हो जाती है आपको? नहीं, रोका गया है। रोका गया तो आप यहाँ दुकान से खरीद के जा रहे हैं कहाँ? इमरजेंसी में क्या सामान लेना? देखिए सुनिए, घबराने की बात नहीं है, नियम कानून तोड़ना कम करिए। सुनिए हमारी बात, चलान हो रहा है लगातार, ही चलान है, चलान हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, एक ही दिन गिरेगा बड़ा फोन। मिनिमम 3,000 शुरू होता है, 300 से उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑफेंस तो और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। ट्रैफिक वाले लगातार ही चलान कर रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ, इमरजेंसी में जा रहे बिना हेलमेट, खुद इमरजेंसी हो गए तब। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, तो समझने की बात नहीं है, इम्प्लीमेंट करिए थोड़ा। देखिए, फूड पेट्रोलिंग सभी अधिकारी, मैं, सीओ साहब, थानेदार और चौकी प्रभारी सब मिलकर यहाँ पे कर रहे हैं बाजार में। बाजार हमारे लिए एक प्रायोरिटी है, लोगों का आना जाना रहता है। कई हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस वक्त फूड पेट्रोलिंग के, एक तो लोगों को ट्रैफिक के बारे में जागरूक करना, लोगों से बातचीत करना, और एक ये भी हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक CCTV कैमरा जो है वो रोड को और दुकान के बाहर की चीज़ों को कवर करें, ताकि उससे रोड की निगरानी भी बनी रहे। इन्हीं सब के लिए फूड पेट्रोलिंग की जा रही है।